जिला प्रशासन ने 50,000 के फर्जी स्टाम्प मामले में दो लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है, जिसके संबंध में एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने बताया कि एक अधिवक्ता ने कुछ टोल फीस स्टाम्प को लेकर आवेदन किया था, जिसमें कुछ स्टाम्प फर्जी पाया गया, जिसकी जांच के लिए नासिक प्रेस में भेजा गया। वहां से रिपोर्ट आई है जो 50,000 रुपए के स्टाम्प हैं फर्जी हैं, जिसको देखते हुए संबंधित व्यक्ति जिसने स्टाम्प खरीदा और जिसने स्टाम्प बेचा उसके खिलाफ थाने में FIR दर्ज करवाया गया है। अभी विवेचना प्रचलित है, आगे की कार्रवाई की जा रही है, इसलिए नागरिक अधिक से अधिक ऑनलाइन स्टाम्प का प्रयोग करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह ने कहा, एक अधिवक्ता ने कुछ कोर्ट फीस स्टाम्प को वापसी को लेकर जी के यहाँ आवेदन किया था, जिसमें प्रथम दृष्टया स्टाम्प हम लोगों ने कुछ संदिग्ध पाया तो उसको जांच के लिए नासिक भेजा था प्रेस में। वहाँ से रिपोर्ट आई है कि वो 50,000 रुपये के मूल्य के स्टाम्प हैं जो कि फोर्ज्ड हैं, फर्जी हैं, जिसके क्रम में संबंधित व्यक्ति जिसने स्टाम्प खरीदा है और जिसने स्टाम्प बेचा है विक्रेता के खिलाफ FIR दर्ज कराई गई थाने में, विवेचना प्रचलित है। जैसा भी आगे जांच में आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, पब्लिक को जागरूकता के लिए क्या, पब्लिक के लिए हमारा यही कहना है कि अधिक से अधिक ई स्टाम्प का ही प्रयोग करें, और यदि स्टाम्प ले रहे हैं तो अधिकृत विक्रेता से प्राप्त करें, और उनको कोई डाउट होता है, कोई शक होता है किसी स्टाम्प को लेकर तो तत्काल शिकायत करें। अभी जितने ई स्टाम्प होते हैं वो सभी ऑनलाइन भी चेक किए जा सकते हैं, तो ऑनलाइन